तो गाइस फाइनली भी देख सकते हो सोनू सर आ चुके हैं, वो यहाँ पे हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम खुद खुद देख रहे हैं कि क्या है। लोग अपनी मेडिकल के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, कोई मिलने आया है तो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग खड़े हैं वर्सोवा मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के वर्सोवा इलाके में अभी हम लोग खड़े हैं। और आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है, हम चलने वाले हैं सोनू सर से मिलने के लिए। सोनू सूद को आप लोग जानते होंगे, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। इन्होंने कई सारी भाषाओं में फिल्में करी हैं, जिनमें से मैंने जो देखी हैं फिल्में वो हिंदी की देखी हैं, दूसरी साउथ की मूवी देखी हैं। साउथ की भी मूवी में काफ़ी है विलन के किरदार में नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर ये हिंदी या साउथ मूवी में विलन के ही किरदार में नज़र आते हैं। और क्या कमाल एक्टिंग करते हैं इनकी मूवी। आप लोगों ने दबंग देखी होगी, दबंग में इन्होंने छेदी सिंह का ऐसे रोल किया था, है ना। तो फिलहाल के लिए गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले सोनू सर से आज मिलने चलते हैं, क्योंकि आज है संडे और ऐसा मैंने सुना है कि संडे को वो मिलने आते हैं बाहर, लोगों की मदद करते हैं। 2020 के बाद वो एक रियल हीरो बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप फिल्मों के हीरो को तो देखते हो, लेकिन असली रियल हीरो वही है जो कि लोगों की मदद करे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। असली हीरो वही है। तो ये है रियल हीरो दोस्तों, गरीबों के मसीहा। तो आज हम चलने वाले हैं उनके घर पर, जो कि उनका घर है यमुनानगर ओसीवारा के बिल्कुल बगल में, ठीक है। तो वहाँ पे चलेंगे आज हम, कुछ ही दूरी पर है यहाँ से, करीब 500 मीटर दूरी पर। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, कोशिश करेंगे उनके साथ वीडियो शूट करने की, और बाकी उनके घर तो दिखाएंगे ही। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, तो इस चौक पर अभी मैं आया था और यहाँ से चलना है मुझे इस तरफ। ये जो एरिया है वो वर्सोवा का एरिया है, जहाँ पर सोनू सूद रहते हैं। और अभी देखिए आगे से मुझे टर्न करना है, यमुनानगर ये जगह है जहाँ पे उनका घर है भाई। और आज तो लंबी लाइन लगी होगी, क्योंकि आज है संडे और संडे को वो गरीबों की बाहर मदद करने आते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यमुनानगर, और यहाँ से मुझे टर्न करना है आगे चल के, उनका घर आने वाला है भाई। ऐसा भी सुना है कि 4:30 बजे को वह घर निकलते हैं। पिछले संडे को मैं यहाँ पे आके पहुँचा ही था, तो पिछले संडे को वो उनका मतलब गणेश विसर्जन था, उनके घर के जो गणेश जी थे गणपति, उनका विसर्जन था संडे को। तो उस दिन तो किसी से मिले नहीं, बस संडे के दिन गणपति को जो है विसर्जित किया उन्होंने। पर आज हम देख के चलते हैं भाई कि मुलाकात हो जाए, तो भाई आप लोगों को भी इस वीडियो में दिखा पाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं सोनू सर के घर के बिल्कुल बाहर। ये जो गेट आप लोग देख रहे हो, ये है सोनू सर का वो घर जहाँ पर वो रहते हैं। और अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इधर माता श्री बैठी हुई हैं, इधर लोग खड़े, कार के पीछे लोग खड़े हुए हैं, ये सब जो है सोनू सर से मिलने आए हैं, किसी न किसी काम को लेके आए। लेकिन हमारा कोई काम नहीं भाई, हमारा काम ये है कि आप लोगों को रूबरू करा सके इस वीडियो में उनसे। तो अभी हमने बात की थी उनके मैनेजर से जो बाहर रहते हैं, जो मिलवाते हैं लोगों को, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे वो निकलेंगे। तो अभी है 1.5 घंटा भाई, और 1.5 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि वो निकलें और मिलें, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो जाए। भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि वो अच्छे से वीडियो में आ जाए भाई। तो चलिए बैक कैमरा ऑन करता दिखाते हैं उनका घर, फिर वो आएंगे तब आप लोग को वीडियो में मिलवाएंगे। इस रास्ते से भी हम आए हैं भाई, और यहाँ पे देखो भीड़ देखो, यहाँ पे चाय के टपरी पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, कार के पीछे लड़के खड़े हुए हैं जो गोरखपुर से आए हैं, कोई बिहार से आया है। और ये वो गेट है बिल्डिंग का जहाँ पर रहते हैं सोनू सर, बिल्डिंग का नाम है कासाब्लांका। और ये है घर जहाँ पे रहते हैं सोनू सर। देखिए कार में कौन आ रहा है, कार में कौन आ रहा है, BMW कार है भाई। इसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं सोनू सर। इसमें तो कोई नॉर्मल बंदा था, लेकिन BMW है तो नॉर्मल नहीं होगा। कासाब्लांका में रहता है भाई, ये बिल्डिंग है जहाँ पे सोनू सर रहते हैं। यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स वगैरह लगे हैं, द रियल हीरो ऑफ इंडिया सोनू सर, सोनू सूद वहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। तो लोगों के मसीहा, गरीबों के मसीहा हैं, लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर चले आते हैं उनके घर पे, ये सोच के कि उनकी मदद हो जाएगी। और हमें लगता है कोई भी ऐसा रहा हो जो यहाँ पे आता हो सर से मिलने, और सर मिले हों तो उसकी मदद ना की हो, कोई निराश होकर नहीं जाता है। यही कारण है कि लोग ऐसे यहाँ पे घंटों खड़े होकर वेट करते हैं उनका। और
अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जो कि सोनू सर से जो भी हो पाता है उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। टाइम है 4 बजे, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 बजे आप लोगों को उनसे मिलवाया जाए। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं 4 बजे का, जब वो निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस फाइनली भी देख सकते हो सोनू सर आ चुके हैं, वो यहाँ पे हैं। सब लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम खुद देख रहे हैं कि क्या है। लोग अपनी मेडिकल के लिए आए, एजुकेशन के लिए आए हैं, कोई मिलने आया है, तो सबसे मिलने लगे सोनू भैया। हम भी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो में भी आए थोड़ी देर के लिए। काफ़ी भीड़ बहुत तेज़ है, लेकिन भीड़ होने की वजह से देखो आप आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं सर के फ्री होने का, उसके बाद फोटो वगैरह भी क्लिक कराएंगे और सोचेंगे थोड़ा सा वीडियो में भी वो आ जाए हमारे। कल आपको इधर हॉस्पिटल में बुलाते हैं लेनी के अंदर, तो आप आ जाइएगा, ठीक है। एक बार तू ही इससे बात कर, फिर साधु वगैरह के पास हॉस्पिटल में कैमरा मैन। आराम करो मैम, करना है क्या बच्चे, क्या करना है? अजय अजय भाई, 2 मिनट में रुक जाओ, तुमसे फॉर्म ले लेते, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट आ रहे हैं। जय रंजन। ए भाई तो गाइस फाइनली अभी सोनू सर से तो मिल लिए हैं। काफी ज्यादा भीड़ थी, मैंने बैक कैमरे से आप लोगों को कई बार दिखाया है, मुझे नामुमकिन ही लग रहा था कि उनके साथ फोटो हो पाएगी। अच्छा, ऐसे वैसे लेनी होती तो मैं कैसे भी ले लेता, एड़े टेढ़े करके ले लेता यार, लेकिन वो ऐसा ही चाहिए था कि वो मेरे फेस, मतलब मुझे सेल्फी दें यार, मतलब मेरे वो कैमरे में देखें। तो उसके लिए मुझे काफ़ी भीड़ भाड़ में चीर चार के जाना पड़ा, और वीडियो के लिए मैंने बोला तो बोला भाई मदद कर लेने दो इनकी, वीडियो आप कभी भी बना लेना लेकिन सेल्फी ले लो। और जैसे ही सेल्फी लिया, बॉडी गार्ड ने उठा के किनारे कर दिया, बोला आपका हो गया। मतलब ये तो भीड़ थी, हाँ इस तरीके से तो खुश हूँ कि लोगों की मदद वो कर पा रहे हैं, खुद आकर लोगों की प्रॉब्लम जान रहे हैं, खुद उनका परेशानी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। और मेरा सेल्फी लेने का था, मैंने ले लिया, आप लोगों को दिखाने का था कि उनका घर और वो उनको, तो मैंने लाइव वीडियो में मैंने इसी पे दिखा दिया है ना। तो बहुत मतलब मेहनत करने के बाद 3 बजे से खड़े, 2:30 बजे आ गया था मैं, और 6:30 बज गया यहाँ मिलते मिलते, तो बहुत टाइम लग गया यार मतलब, है ना। तो फाइनली मिल लिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए किस किस हीरो से मिलते हैं, मतलब रियल हीरो से तो मिल ही लिए यार, जिससे मेरी मतलब खास कर उम्मीद थी। और तीसरी बार मैं आया था मुंबई, और तीसरी बार में मुलाकात हो पाई। फरवरी में मैं आया था तब ये सर यहाँ पे थे नहीं, और जून में आया था तब भी सर यहाँ पे नहीं थे, लेकिन जब अभी आया हूँ मैं तो तीसरी बार फाइनली मुलाकात हो गई। सेल्फी ये हमेशा मुझे याद रहेगी, मेरे इंस्टाग्राम पे रहेगी। कभी आप लोग सपोर्ट करो, कभी अगर अच्छा खासा चैनल हो गया, थोड़ी सी पहचान बन गई, तो साथ के सर में वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ये सब दिन, आज दिन भर में पूरा एक वीडियो बनाया है वो सर का, मतलब घर का, और सर को दिखाया मैंने, उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यार। फोटो हो गया, बैक कैमरे से दिखाया, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आया था, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर लो। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले विजिट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा कर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।